हेलो दोस्तों, टेकी नूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम एक साउंड बार या होम थिएटर खरीदने से पहले कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम टीवी और होम थिएटर कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीवी और होम थिएटर कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके टीवी या होम थिएटर में कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है। नॉर्मली कनेक्शंस वाइज देखा गया तो टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस रहते हैं, एक डिजिटल कनेक्शन और एक एनालॉग कनेक्शन। सो डिजिटल कनेक्शंस मतलब HDMI ARC, SPDF और ऑप्टिकल पोर्ट। एनालॉग कनेक्शंस मतलब RCA और ऑक्सिलरी कनेक्शंस। तो कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है कि आपके टीवी में कौन सा कनेक्शन अवेलेबल है और होम थिएटर में भी। तो इस वीडियो में हम वो सारे कनेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सारे कनेक्शन टाइप्स को ड्राइंग को इस्तेमाल करके समझा दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कौन सा कनेक्शन टाइप इस्तेमाल करें। तो एक बात को ध्यान में रखिए, टीवी और होम थिएटर कनेक्ट करते वक्त पावर ऑफ करके ही कनेक्ट करना। अगर आप पावर ऑन करके कनेक्ट करोगे तो टीवी या होम थिएटर डैमेज होने के चांसेस है, खास करके डिजिटल कनेक्शन से देते वक्त। तो कनेक्शन में प्रायोरिटी वाइज देखा गया तो फर्स्ट कनेक्शन आके HDMI ARC को इस्तेमाल करना होता है। अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो नेक्स्ट ऑप्टिकल पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट आकर SPDF पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर एल्स आप ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्लूटूथ को उतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि ब्लूटूथ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक ऑडियो और वीडियो में सिंक इश्यूज आ सकते हैं। तो ब्लूटूथ जो है आपके मोबाइल से होम थिएटर को म्यूजिक प्ले करने के लिए ठीक है, बट टीवी के लिए पेयर करना उतना करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। सो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने के लिए मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला देन यू कैन गो फॉर द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। सो अब हम कनेक्शंस कैसे देते हैं देखेंगे। फर्स्ट HDMI ARC को इस्तेमाल करके टीवी और होम थिएटर कैसे कनेक्ट करते हैं देखेंगे। HDMI ARC कनेक्शन देने के लिए स्मार्ट टीवी और होम थिएटर दोनों में भी HDMI ARC का सपोर्ट रहना चाहिए। सो ऐसा मान के चलते हैं कि आपके स्मार्ट टीवी में HDMI के तीन पोर्ट्स हैं, उनमें से एक फर्स्ट पोर्ट आके HDMI ARC को सपोर्ट करता है, बाकी के दो पोर्ट्स नॉर्मल पोर्ट्स है। फर्स्ट HD सेटअप बॉक्स को HDMI 2 को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होम थिएटर को टीवी के HDMI ARC पोर्ट को HDMI केबल को इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। तो एक बार कनेक्ट करने के बाद में सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होते हैं। जनरली कौन सा भी टीवी ले लीजिए तो सेटिंग्स में साउंड सेटिंग्स रहते हैं, उसके अंदर HDMI ARC को ऑन करना होता है। थोड़ी टीवीज में HDMI कंट्रोल ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर CEC कंट्रोल को ऑन करना होता है। सो दोनों में से कौन सा भी एक सेटिंग अवेलेबल होता है आपके टीवी में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिजिटल आउट। तो डिजिटल आउट ऑप्शन को PCM, ऑटो या RA, तीन में से कौन सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर PCM सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ स्टीरियो साउंड आपके होम थिएटर को जाता है। नेक्स्ट ऑटो या RA सेलेक्ट करने से जो भी साउंड आपके सेटअप बॉक्स या टीवी में जनरेट होता है सेम साउंड आपके होम थिएटर को चले जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सेटअप बॉक्स से डॉल्बी साउंड आ रहा तो सेम डॉल्बी साउंड HDMI ARC से आपके होम थिएटर को चले जाता है। सो सेटअप बॉक्स में भी साउंड सेटिंग्स रहते हैं। सो साउंड सेटिंग्स में ऑडियो सेटिंग्स में जाना होता है, उसके अंदर डॉल्बी या PCM सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका होम थिएटर या स्मार्ट टीवी डॉल्बी को सपोर्ट करता है तो डॉल्बी सेलेक्ट कीजिए, और एल्स PCM को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह डायरेक्ट कनेक्शन है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करके कैसा कनेक्ट करना है देखेंगे। अगर आपका टीवी या होम थिएटर HDMI ARC को सपोर्ट नहीं करता हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्टिकल पोर्ट। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके टीवी में तीन HDMI पोर्ट्स है तो आपका HD सेटअप बॉक्स को HDMI 1 से कनेक्ट करना होता है। HDMI 2, HDMI 3 को फायर टीवी या गेमिंग कंसोल्स कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टीवी और होम थिएटर को ऑप्टिकल केबल इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। अगर आपका टीवी या होम थिएटर ऑप्टिकल केबल को नहीं सपोर्ट करता हो तो फाइनल ऑप्शन आता है ARC कनेक्शन। अगर आपके टीवी में 3.5mm हेडफोन जैक अवेलेबल हो तो उस पोर्ट से ARC केबल का इस्तेमाल करके होम थिएटर को कनेक्ट करना होता है। तो ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करने के लिए भी डिजिटल आउट ऑप्शन में PCM, ऑटो या RA सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट कनेक्शन टाइप, आपके पास नॉर्मल HD टीवी मतलब नॉन स्मार्ट टीवी है। नॉर्मली नॉन स्मार्ट टीवीज में ऑप्टिकल या HDMI ARC का सपोर्ट नहीं रहता है, तो उसका कनेक्शन कुछ इसी तरह से होता है। सेटअप बॉक्स को HDMI 1 से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपके होम थिएटर को सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करना होता है ऑप्टिकल केबल को इस्तेमाल करके। नॉर्मली HD सेटअप बॉक्स में ऑप्टिकल आउट अवेलेबल होता है, तो सेटअप बॉक्स और होम थिएटर को ऑप्टिकल केबल को इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। तो इस केस में डिजिटल ऑडियो जो है डायरेक्टली सेटअप बॉक्स से आपके होम थिएटर को चले जाएगा, लेकिन टीवी में ऑडियो जो भी जनरेट होता है उस ऑडियो को होम थिएटर को भेजने के लिए ARC कनेक्शन को इस्तेमाल करना होता है। टीवी में ऑडियो कब जनरेट होता है? अगर हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके मूवी या म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो उस मूवी या म्यूजिक साउंड को होम थिएटर को भेजने के लिए ARC कनेक्शन को इस्तेमाल करना होता है। उस समय टीवी और होम थिएटर को
आर्क्स केबल को इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। उसके लिए आपके टीवी में आर्क्स पोर्ट रहना जरूरी है। नेक्स्ट आता है मी टीवी। मी टीवी में हमको सिर्फ HDMI ARC और SPDF का सपोर्ट दिया गया है। थोड़े टीवीज़ में आर्क्स पोर्ट अवेलेबल है। अगर आपके होम थिएटर में HDMI ARC का सपोर्ट हो तो डायरेक्टली HDMI ARC को इस्तेमाल करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके होम थिएटर में ब्लूटूथ अवेलेबल हो तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्क्स। अगर आपके टीवी में आर्क्स पोर्ट अवेलेबल है देन होम थिएटर और टीवी को आर्क्स केबल का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके होम थिएटर में सिर्फ ऑप्टिकल कनेक्शन अवेलेबल हो तो यहाँ पर कनेक्शन कुछ इसी तरह से देना होता है। सेटअप बॉक्स को डायरेक्टली HDMI पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेटअप बॉक्स और होम थिएटर को ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टीवी में जो भी ऑडियो जनरेट होता है, क्योंकि HDMI टीवी जो है स्मार्ट टीवी है, सो टीवी में ऑडियो जो भी जनरेट होता है उस ऑडियो को होम थिएटर को भेजने के लिए आर्क्स पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप HDMI ARC या SPDF का इस्तेमाल करना हो तो ऑडियो कन्वर्टर्स को इस्तेमाल करना होता है। नॉर्मली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो कन्वर्टर्स रहते हैं, लाइक HDMI ARC टू ऑप्टिकल और RCA कन्वर्टर या SPDF टू ऑप्टिकल या RCA कन्वर्टर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास HDMI ARC ऑडियो कन्वर्टर हो तो ऑडियो कन्वर्टर को HDMI ARC पोर्ट से कनेक्ट करना होता है HDMI केबल के इस्तेमाल करके। तो ऑडियो कन्वर्टर से ऑप्टिकल या RCA केबल के इस्तेमाल करके होम थिएटर कनेक्ट करना है। अगर आपके पास SPDF टू ऑप्टिकल या RCA कन्वर्टर हो तो देन आपका ऑडियो कन्वर्टर को SPDF पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑडियो कन्वर्टर से होम थिएटर को RCA या ऑप्टिकल केबल को इस्तेमाल करके कनेक्ट करना होता है। तो इसी तरह से हम HDMI टीवी को होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो कन्वर्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं, बट ऑडियो कन्वर्टर्स से थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑडियो कन्वर्टर्स कभी कभी काम करते हैं या काम नहीं करते। नेक्स्ट ऑडियो कन्वर्टर से जो भी ऑडियो जनरेट होता है उतना क्वालिटी नहीं रहता। अगर आप ऑनलाइन से ऑडियो कन्वर्टर्स खरीद रहे तो एक बार रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चले वो काम कर रहा है या नहीं। अगर ऑफलाइन मार्केट में खरीद रहे हो तो उसको चेक करके खरीदना होता है। फाइनल कनेक्शन आकर आपके पास CRT टीवी है, मतलब नॉर्मल टीवी है, और आपके पास HD सेटअप बॉक्स नहीं, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेटअप बॉक्स है, उस समय कनेक्शन कुछ इसी तरह से देना होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेटअप बॉक्स में AV आउट मिलता है, मतलब ऑडियो और वीडियो। तो सेटअप बॉक्स से वीडियो केबल लेके जाके CRT टीवी को देना होता है। नेक्स्ट सेटअप बॉक्स और साउंड बार को कनेक्ट करने के लिए RCA केबल का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपका साउंड बार या होम थिएटर RCA कनेक्शन को सपोर्ट करता हो तो डायरेक्टली स्टीरियो केबल को लेकर जाके होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके होम थिएटर या साउंड बार में RCA अवेलेबल नहीं, सिर्फ आर्क्स पोर्ट अवेलेबल हो तो RCA टू आर्क्स कन्वर्टर केबल मिल जाता है मार्केट में, उस केबल का इस्तेमाल करके सेटअप बॉक्स और होम थिएटर को कनेक्ट करना होता है। सो दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा टीवी और होम थिएटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट करते वक्त आपका टीवी और होम थिएटर का कंपनी नेम और मॉडल नेम मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से आंसर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।